हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको टाटा प्ले फाइबर के 50 Mbps प्लान के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको OTT बेनिफिट्स भी मिलेगा और साथ में साइरोटेक राउटर का रिव्यू भी दूंगा, जिसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो टाटा प्ले फाइबर 50 Mbps प्लान के साथ डायरेक्टली इसके वेबसाइट से। तो ये है टाटा प्ले फाइबर की वेबसाइट से डायरेक्टली डिटेल्स 50 Mbps वाले प्लान की। तो इसमें मंथली प्लान अवेलेबल नहीं होता है, या तो क्वार्टरली मिलेगा यानी कि 3 महीने के लिए, सेमी एनुअल यानी कि 6 महीने के लिए, और एनुअल यानी कि 12 महीने के लिए। तो इसमें स्पीड है 50 Mbps की, लैंडलाइन कॉल्स अनलिमिटेड रहेगी इसमें। तो 3 महीने का अगर प्लान लेते हैं इकट्ठे आप, तो इसका प्राइस होगा 2097 रुपये, और अगर आप 6 महीने का प्लान लेते हैं इकट्ठे तो इसका प्राइस होगा 3450 रुपये, और अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं 12 महीने के लिए तो आपको देना होगा 6600 रुपये। ये तीनों प्लान जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें 18% GST इंक्लूड नहीं है, आपको अलग से ऐड करना होगा अमाउंट GST का। तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हम देख लेते हैं। 1 महीने की वैलिडिटी है 30 दिनों के लिए। इसमें आपको हर महीने डेटा मिलेगा 3300 GB का। अगर ये आप ख़त्म कर लेते हैं 1 महीने से पहले तो आपको स्पीड मिलेगी 3 Mbps की, इंटरनेट बंद नहीं होगा। लैंडलाइन सर्विस के लिए आपको अलग से इंस्ट्रूमेंट लैंडलाइन फ़ोन परचेज करना होगा। 500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस देने होंगे मंथली प्लान्स के लिए, और 1000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो इसमें आपको 1000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी, जो कि 100% रिफंडेबल है, और ये एप्लीकेबल होगा मंथली प्लान में और 50 Mbps वाले प्लान में। अगर आप इससे ऊपर वाला प्लान लेते हैं 1 मंथ वाला, मत जैसे कि 1 महीने से ज़्यादा वाला लेते हैं इकट्ठा प्लान, या फिर 50 Mbps से ऊपर वाले स्पीड प्लान लेते हैं, तब आपको 1000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देनी होगी। इसमें आपको फ्री एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन मिल जाएगा, और फ्री राउटर डुअल बैंड मिलेगा ONT प्लस वाईफाई राउटर। ये मंथली प्लान्स के साथ अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ ऐसे प्लान्स के साथ अवेलेबल है जैसे कि क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल प्लान्स के साथ। तो मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि अगर आप 3 महीने का प्लान, 6 महीने का प्लान या 12 महीने का प्लान इकट्ठा लेते हैं तो आपको ये मंथली कितना पड़ेगा, और 18% GST ऐड करके इन सब का फाइनल प्राइस कितना होगा। तो अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हैं तो मंथली प्राइस आएगा इसका 699 रुपये, जो कि सही है, और इसमें अगर आप 18% GST ऐड कर लेते हैं तो फाइनल प्राइस आफ्टर GST होगा 2474 रुपये। अगर आप 6 महीने का प्लान लेते हैं जिसका प्राइस है 3450 रुपये, मंथली इसका पड़ेगा 575 रुपये 6 महीने के लिए, और 18% GST ऐड करने के बाद फाइनल प्राइस होगा 4071 रुपये। अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं 12 महीने वाला प्लान, तो आपको 6600 रुपये देने होंगे। इसका मंथली पड़ेगा आपको 550 रुपये 12 महीने के लिए। 18% GST ऐड करने के बाद फाइनल प्राइस होगा इसका 7788 रुपये। तो अब मैं आपको प्लान बताऊंगा जिसमें OTT बेनिफिट्स मिलेगा 50 Mbps वाले प्लान में। तो जो प्लान्स मैंने आपको बताया था उसमें अगर आप OTT बेनिफिट्स भी चाहते हैं, तो उसमें आपको 3 महीने का प्लान है, 6 महीने का प्लान है और 12 महीने का प्लान है, इसमें मंथली प्लान नहीं होता है। अगर आप इन प्लान्स में OTT बेनिफिट्स चाहते हैं तो प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। क्वार्टरली प्लान जो है 3 महीने के लिए, इसका प्राइस है 2850 रुपये। 6 महीने का प्लान जो है, इसका प्राइस है 5550 रुपये। एनुअल प्लान 12 महीने के लिए, इसका प्राइस है 10800 रुपये। इनकी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि 18% GST ऐड करके इन सब में फाइनल प्राइस कितना बनेगा, और अगर इकट्ठा प्लान आप लेते हैं इन तीनों में से तो मंथली आपका कितना खर्चा आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं OTT बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसमें। तो OTT बेनिफिट्स काफ़ी सही हैं, जैसे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5, वूड सेलेक्ट, लायंस गेट प्ले, हंगामा प्ले, MX प्लेयर, हीरोस नाउ, वूड किड्स, शिमारो मी, एपिक ऑन, होई चोई, चौपाल, प्लैनेट मराठी, क्यूरियोसिटी, डॉक्यूबे, RD, रील ड्रामा, सन NXT, नमा फ्लिक्स, कूडे। तो ये काफ़ी सारे आपको OTT बेनिफिट्स मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 50 Mbps स्पीड वाले प्लान में। तो अब मैं आपको इन तीनों प्लान्स का फाइनल प्राइस बताता हूँ आफ्टर GST, और ये भी बताता हूँ कि मंथली आपको कितना देना पड़ेगा विदाउट GST। तो अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हैं जिसका प्राइस है 2850 रुपये, तो मंथली प्राइस इसका पड़ेगा आपको 950 रुपये, और फाइनल प्राइस होगा आफ्टर GST 3363 रुपये। और 6 महीने के प्लान में अगर आप लेते हैं तो इसका प्राइस है 5550 रुपये, तो आपको मंथली पड़ेगा 925 रुपये 6 महीने के लिए, और 18% GST ऐड करने के बाद फाइनल प्राइस है 6549 रुपये। एनुअल प्लान अगर आप लेते हैं 12 महीने के लिए, तो इसका प्राइस है 10800 रुपये, मंथली आपको पड़ेगा 900 रुपये 12 महीने के लिए, और फाइनल प्राइस है आफ्टर 18% GST 12744 रुपये। इस टेबल से आपको ये भी क्लियर हो गया कि कितना फाइनल प्राइस है आफ्टर 18% GST, और मंथली आपको कितना पड़ेगा कोई भी प्लान लेने में।
तो अब रिव्यू करते हैं साइरोटेक के फाइबर राउटर का। साइरोटेक GEPON NONU सब्सक्राइबर एंड इक्विपमेंट। तो ये डायरेक्ट हम अगर हमारे पास फाइबर का केबल है घर पे तो हम डायरेक्ट इस राउटर को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं इस राउटर से ही, GEPON ONU राउटर से। तो इसमें एक वारंटी कार्ड है जैसे कि 1 साल की वारंटी मिल जाएगी इसमें आपको। और ये ईथरनेट केबल लैन केबल है और ये इसका एडाप्टर। तो ये है इसका राउटर अनबॉक्स करने के बाद। इसमें 4 एंटीनाज लगे हैं। इसके एंटीनाज आपको पता है कि इसके रेंज को बढ़ाने के लिए होता है, रेंज काफ़ी आगे तक जाए। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं इसके फीचर्स। ये ऑन ऑफ का बटन हो गया, DC 12 वोल्ट इसमें, ये पावर अडाप्टर के लिए है। और ये हो गए 2, और ये पोर्ट है फ़ोन के लिए, अगर आप लैंडलाइन लगवाते हैं इसमें तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं आप। और ये है PON पोर्ट, इससे अगर आपके घर में फ़ाइबर लगा हुआ है, जियो एयरटेल या कोई भी ब्रांड का फ़ाइबर लगा हुआ है, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लगा हुआ है, फ़ाइबर फैसिलिटी है उसमें, तो यहाँ पे सिर्फ आपको पोर्ट लगाना है और फ़ाइबर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, सीधा इसमें आप फ़ाइबर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ़ाइबर के लिए है, इसमें फ़ाइबर, इस राउटर में सिर्फ और सिर्फ फ़ाइबर यूज़ हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ पे आप ये इसके थोड़े बहुत फीचर्स देख रहे हैं। ये पावर का है, अगर पावर ऑन होगा तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। ये PON है। PON का मतलब हुआ पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ये एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है जिसे यूटिलाइज किया जाता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी पे, जिससे कि डेटा डिलीवर होता है सिंगल ट्रांसमिशन पॉइंट से मल्टीपल यूजर्स तक। और ये है LOS। LOS का मतलब हुआ लॉस ऑफ सिग्नल। जब सारी चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन हो रही होती हैं राउटर में तब ये लाइट ऑफ रहेगी। और जब भी आपके राउटर में LOS लाइट ब्लिंक कर रही होगी रेड लाइट में, तब राउटर में ज़रूर कोई दिक्कत है या फिर फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन में दिक्कत है। और ये है WAN। इसका मतलब हुआ वाइड एरिया नेटवर्क। तो सो दिस इज़ अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज स्केल ज्योग्राफिकल एरिया। राउटर का जो मॉडेम होता है ये भेजता है और रिसीव करता है इंफॉर्मेशन इंटरनेट से थ्रू इट्स WAN पोर्ट। और ये है LAN 1 और LAN 2 लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप LAN कनेक्शन यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन यूज़ करते हैं जो LAN वायर के साथ होता है, तब ये लाइट ऑन हो जाएगी। अगर एक ही जगह 2 LAN वायर यूज़ करते हैं आप तो दोनों लाइट ऑन हो जाएंगी। अगर इस राउटर में स्पीड 2.4 GHz तक होगी तो ये 2.4 GHz वाली लाइट ऑन रहेगी। अगर स्पीड 5G है तो 5G की लाइट ऑन रहेगी। और नेक्स्ट है फ़ोन। अगर आप इसमें फ़ोन कनेक्ट करवाते हैं लैंडलाइन, तब ये लाइट ऑन रहेगी। 1 साल की वारंटी मिल जाएगी इसमें, और इसमें 4 एंटेनास मिल जाएंगे जो कि काफ़ी। ये थी डिटेल्स टाटा प्ले फाइबर के 50 Mbps प्लान्स विद OTT बेनिफिट्स एंड विदाउट OTT बेनिफिट्स। मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि 18% GST के बाद फाइनल प्राइस आपको कितना देना होगा, और साथ में साइरोटेक का फाइबर राउटर रिव्यू भी दिया है जिसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आपको खरीदना है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।